अनंतम अनंतम शुक्राना, आई हैड टू स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम हियर। ये जो मेथी देख रहे हैं ना, लश लश ग्रीन घर पर उगी हुई, आपको बताऊं ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है सुमन गुप्ता जी के यहाँ पे, वो रहती हैं मेरठ में। एंड बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी कि वो मेरी सारी वीडियोज़ देखती हैं। और जब वो डेली अपनी डॉटर को विज़िट करने के लिए आई, तो उनकी डॉटर ने मेरा नंबर लेके मेरे को रीच करा और बोला कि मम्मी आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हैं। और बातों बातों में पता चला कि वो थेपले भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो लीजिए, मैं अपनी मेथी की टोकरी लेके पहुंची सुमन जी के पास। शिखा जी, आप जो मेथी लाई हैं, इसके हम थेपले के लिए इसे बारीक बारीक काटेंगे। ये मैंने धो ली है। अच्छा, ये तो बहुत सॉफ्ट है। हाँ, घर की उगी हुई है ना। और ऑर्गेनिक है ये। हाँ जी, बाजार की मेथी तो बड़े मोटे डंठल की आती है। हाँ जी, ये बहुत सॉफ्ट है। आपको बना के बहुत मजा आएगा। हाँ जी। क्योंकि आज आप तो स्पेशली मेरठ से आए हैं हमें थेपले सिखाने के लिए। शिखा जी, अब थेपले बनाने के लिए हमने 1.5 कप आटा लिया है, नॉर्मल जो हम लोग घर में गेहूं का आटा। हाँ, नॉर्मल आटा। अब इसमें हम 1 कप मेथी डाल देंगे। अच्छा, फ्लेवर इसमें जो है वो मेथी का फ्लेवर आएगा। क्या बात है। इसमें 2 चम्मच बेसन पड़ेगा। ओके। अच्छा, मुझे लगता था थेपले बनते ही बेसन के हैं। नहीं, आटे में थोड़ा बेसन मिलाते हैं। अच्छा। और इसमें 2 चम्मच दही। अच्छा, तो खट्टा या नॉर्मल दही? 1.25 चम्मच करीब हल्दी पड़ेगी। ओह। 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पीसेगी। वेरी गुड। माइन के लिए तेल डलेगा। अच्छा, 2 चम्मच तेल डलेगा, इससे फिर सॉफ्ट बनेंगे हमारे थेपले। अच्छा, सॉफ्टनेस के लिए हमने तेल डाला है। और ये अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। हाँ, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आ जाते हैं ना। हाँ। बस इसको पहले अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे, क्योंकि मेथी भी पानी छोड़ती है। अच्छा। और दही भी है इसमें, तो फिर जितना जरूरत होगी उस हिसाब से पानी डालेंगे। अच्छा, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अच्छा, इकट्ठे एक साथ नहीं डालेंगे? नहीं। हाँ, हल्का हल्का सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। ये इन थेपलों को हम 4-5 दिन आराम से रख सकते हैं। अच्छा, कहीं हमें घूमने जाना हो, कहीं जाना हो तो इन्हें ले जाओ, मिर्च के अचार से आराम से खा लो। कन्वीनियंट है। मेरे ख्याल है आपके सन इन लॉ भी बहुत ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो फिर अब आप आए हो तो उनके लिए तो बनाए होंगे। हाँ, आपने। हाँ। अभी आटा गूंद गया, इसमें अब नमक डाल देंगे। अच्छा, और आप पहले भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, पानी तो नहीं छोड़ेगा ये? नहीं, नमक से थोड़ा सा पानी तो छोड़ता है नमक में भी। अच्छा, पर आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे पहले डाल लें या बाद में डाल लें। अच्छा जी, अभी आटा अच्छी तरह से गूंद गया, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कपड़े से। अच्छा, जिससे सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारा आटा तैयार है, अब हम इसे बेल रहे हैं। हम रोटी से थोड़ा पतला रखेंगे इसे। ओके, थेपले थोड़े पतले ही अच्छे लगते। कितना बढ़िया कलर लग रहा है इसका। अब हम इसको परांठे की तरह सेकेंगे। हाँ, परांठे की तरह सेकेंगे। अब इतनी देर डोसा तैयार। अब इसमें थोड़ा सा आंटी ये लगाओ। हाँ, ये लगा के सेक। हल्की गैस रहेगी हमारी? मीडियम रहेगी। अच्छा, तो ये बिना हम घी के भी बना सकते हैं? नहीं, घी लगा के ही ज्यादा टेस्ट आएगा। नहीं, ये तो है, फिर ट्रैवल के लिए भी लेने हो तो वो बेटर रहेगा। फिर तो रोटी की तरह हो जाएंगे ना। अच्छा, इसका तो कलर, और मेरे को तो सच में बड़ी सारी भूख लगने लगी इसको देख के। अब ये थेपला तैयार है। वाह। अब ये अगर गरम गरम खाने हो तो एक एक देते रहो, अगर आपको रखने हैं तो एक के ऊपर एक रखते रहोगे, उससे मुलायम रहेंगे। ठंडे। अच्छा। ठंडे करके पैक करते हैं फिर। ठीक है, नहीं तो सॉफ्टनेस कम हो जाएगी अगर एक, मतलब इकट्ठे नहीं रखेंगे तो। हाँ। जैसे इसके ऊपर अगर हवा लगेगी तो ये सॉफ्ट कम हो जाएगा। हाँ। तो एक के ऊपर एक रखना चाहिए। हाँ। समझ
अच्छा पाएगा मेरी आंटी, मैं ये खा लूं, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। सुपर, बहुत ज्यादा टेस्टी है। सर्दियों में तो मेथी पालक बहुत ज्यादा आता है, तो इसके तुम बच्चों को सुबह पराठे भी दे सकते, तरह भी दे सकते हो, नाश्ते में खाएंगे, टिफिन में भी लेके जा सकते हैं। हाँ, टिफिन में भी ले जा सकते हैं। और इस बहाने बच्चों के पेट में हरी सब्जियां चली जाती है, तो बच्चे खाना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। और कलर इसका इतना अच्छा है ना कि वो लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी कोई मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई है। अब ट्रेवलिंग के लिए जाना है तो मैं तो ज्यादा मत सेकना, वो थोड़े सॉफ्ट सेकना, नहीं तो कड़े हो जाएंगे। ये वीडियो बना के मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आप लोगों को भी अगर ये छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सुमन जी अपनी छोटी छोटी टिप्स मुझे दे रही थी कि थेपलों को कैसे बनाना चाहिए, जैसे नॉलेज का वो भंडार हो, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने वो बीन्स स्पिल करने के लिए मिल रहे हैं। रियली इट वॉज़ जस्ट टू ग्रेट। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मोस्ट वेलकम हैं। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मेरा चैनल कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस।